नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। वैश्य सभा मुजफ्फरनगर जनपद के द्वारा ए टू जेड रोड स्थित अग्रसेन स्मारक भवन में मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण समारोह बनाया गया, जिसमें वैश्य समाज के हाई स्कूल, इंटर व अन्य उच्च कक्षाओं में छात्र छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर के महामंत्री अजय सिंघल ने अतिथियों का परिचय कराया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभासद शोभित गुप्ता व देवपुरम से सभासद हिमांशु कौशिक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के 150 इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही साथ माला व मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि हमारी सभा प्रतिवर्ष समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करती है, ताकि उनका हौसला बना रहे। सम्मान समारोह में जो छात्र छात्रा नहीं पहुंचे, उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक योगेश भगत जी व राकेश कंसल के अलावा अशोक सिंघल, संजीव गोयल, अचिन कंसल, तरुण मित्तल आदि ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल, महामंत्री अजय सिंघल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, प्रदीप गोयल, सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यवीर अग्रवाल, इंजीनियर अशोक अग्रवाल, संजीव गोयल, सुरेश गोयल, डॉक्टर एम के बंसल, शलभ गुप्ता एडवोकेट, अनिल तायल, पवन बंसल, तरुण मित्तल, अभिलाक्ष मित्तल, पवन बंसल, जनार्दन स्वरूप, गांधीनगर हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निशा गुप्ता, अजय गुप्ता, पवन सिंघल सहित भारी संख्या में वैश्य समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित किया गया है। हर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं और विशेष IAS, PCS, IPS और CA वगैरह जो खेल के मैदान में जो विशेष जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनको वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर आज सम्मानित करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और महाराजा अग्रसेन की ये 5148वीं जयंती है, इस पर हमें हर्ष हो रहा है कि हम इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बच्चे आगे चलकर समाज में एक अपना स्थान बनाएंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और उसी की तरह ये अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। उद्देश्य यही है कि इनका मनोबल बढ़े। ये पहला पाया है, ये इनका मनोबल बढ़े। अरे अजय जी, कितने बच्चे सम्मानित हुए आज? 2 मिनट। ये 200 के लगभग। नहीं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।